बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज, स्टेटमेंट वन, वीक इंटर पार्टिकल फोर्सेस एग्जिस्ट इन थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। स्टेटमेंट टू, थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स आर हेविली क्रॉस लिंक्ड। तो यहाँ पे स्टेटमेंट वन में कहा गया है जो थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स होते हैं इसमें हमें वीक इंटर पार्टिकल फोर्सेस देखने को मिलते हैं, एंड स्टेटमेंट टू में कहा गया है जो थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स है इनके अंदर हमें हेविली क्रॉस लिंक चेन्स देखने को मिलते हैं। सो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, हमें स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू के बेसिस पे सही ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ऑप्शन ए में कहा गया है बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर करेक्ट। ऑप्शन बी, बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर इनकरेक्ट। ऑप्शन सी, स्टेटमेंट वन इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट। एंड ऑप्शन डी, स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज करेक्ट। सो द की कॉन्सेप्ट हियर इज, थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स क्या होता है? ये एक परमानेंट सेटिंग पॉलीमर होते हैं, तो इसको हम प्लास्टिक्स भी बोल सकते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। ये एक परमानेंट सेटिंग होता है, इट गेट्स हार्डेंड एंड इट सेट्स ड्यूरिंग मोल्डिंग प्रोसेस। एंड कैन नॉट बी सॉफ्टेंड अगेन, इसको वापस से सॉफ्ट नहीं किया जा सकता, ये परमानेंटली हार्ड हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है बैकेलाइट। सो थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स में हमें जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलता है इट इज द क्रॉस लिंकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स। तो इस क्रॉस लिंकिंग की वजह से जो थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स है उनको एडिशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड होते हैं, जिसके वजह से इनमें कैपेसिटी होते हैं टू विथस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर अनलाइक द थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स में क्या होता है, क्रॉस लिंकिंग नहीं होता, जिसकी वजह से वो वीक होते हैं, ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते। लेकिन थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स, क्योंकि इनको हार्डन कर दिया जाता है, ये परमानेंटली ये हार्ड हो जाते हैं, कभी ये सॉफ्ट वापस से नहीं हो पाएंगे, इनके अंदर हमें क्रॉस लिंकिंग देखने को मिलता है जो एक एक्स्ट्रा एडिशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स ज्यादा स्ट्रांग होते हैं थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स से। सो यहाँ पे हमें स्ट्रांग इंटर पार्टिकल फोर्सेस देखने को मिलते हैं इन थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। सो स्टेटमेंट वन में कहा गया था वीक इंटर पार्टिकल फोर्सेस एग्जिस्ट इन थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा। स्टेटमेंट टू, थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स आर हेविली क्रॉस लिंक्ड, ये करेक्ट स्टेटमेंट होगा। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा इट इज स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज करेक्ट। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।